आज बात करेंगे बड़े ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक के बारे में। टॉपिक क्या है, थंबनेल से आपको पता लग गया होगा। आज हम कुछ उन कारनामों के बारे में बात करेंगे जो पिछले 5-7 साल में बीजेपी गवर्नमेंट ने किए हैं। हमारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है मोदी को बेकार बताना, बीजेपी गवर्नमेंट को खराब बताना, लेकिन क्या करें, फैक्ट्स ही कुछ ऐसे हैं, नंबर ही कुछ ऐसा है, डाटा ही कुछ ऐसे हैं। तो पॉलिटिक्स की सोच को एक साइड रखते हुए और देशभक्ति की भावना को अंदर से उजागर कर लीजिए। आप सभी का स्वागत है सोशल टॉक्स बाय गौरव पे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है वीडियो देखने के बाद आप सब्सक्राइब ना करें, खासकर बीजेपी के सपोर्टर्स। तो चलिए आगे बढ़ाते हैं आज की इस चर्चा को। सबसे पहले मैं बात करता हूँ देश के किसान के बारे में। जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, तब से फार्मर सुसाइड का जो ग्राफ है वो शार्पली इंक्रीज हुआ है। जो किसान है उन्होंने सुसाइड बहुत ज़्यादा किया है जब से बीजेपी गवर्नमेंट पावर में है। और सुसाइड को तो छोड़िए, एक बड़ा ही बेवकूफ़ डिसीजन मोदी सरकार ने लिया, वो ये कि मोदी सरकार ने गेहूं और दाल बाहर देशों से मंगवाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक प्राइस थे हमारे यहाँ गेहूँ के और दाल के वो गिर गए, जिसकी वजह से हमारे देश के किसानों को बहुत सारा ढेर सारा नुकसान हुआ। और दबाकर हमारे देश के किसानों ने सुसाइड किया, लेकिन कवरेज ही नहीं मिली। देखिए, हो सकता है आप ये बात पहली बार सुन रहे हो। यहां तक कि किसानों ने आंदोलन किए इस तरीके से, जो उनके भाई बहन, जो उनके किसान भाई जिन्होंने सुसाइड किया था, उनके शरीर के अवशेष भी वो लेकर आए हैं और उनके साथ उन्होंने आंदोलन किया है, लेकिन कवरेज नहीं मिली। किसी भी मीडिया ने इसको कवर नहीं किया। और कवरेज तो छोड़िए, बीजेपी का कोई एक सिंगल मेंबर या कोई एक रिप्रेजेंटेटिव उन किसानों से मिलने नहीं गया। और फिर ये बात करते हैं कि हम किसानों के साथ हैं, सबका साथ सबका विकास का ये नारा लगा रहे हैं। तो पहला मैंने आपको बताया फार्मर सुसाइड का डाटा, किसान की क्या हालत चल रही है देश में, आप सभी को भी पता है। किसान की हालत से याद आया, अमित शाह बड़े ही उच्च नेता हैं वो बीजेपी के, एक बार भी जहां पर किसानों ने आंदोलन किया है वहां पर उन्होंने विजिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि कोरोना का खतरा है। लेकिन कानूनों की धज्जियां उड़ाकर, कोरोना के कानूनों की धज्जियां उड़ाकर वे रैलियां खूब दबा कर कर रहे हैं, और ना ही उन्हें कोरोना से खतरा है जब वो चुनावी रैलियां करते हैं। दूसरे अगर मकाम की बात करूं, जो कि बड़ा घिनौना है और उसमें सिर्फ सरकार की गलती नहीं है, वो है मीडिया कैप्चरिंग। कुछ न्यूज चैनल वाले खासकर से तो नेशनल मीडिया सरकार के गुलामों का एक झुंड बनकर रह गया है। लेकिन हो सकता है शायद उनमें उनकी भी गलती ना हो, अगर कोई चैनल उनके खिलाफ जाता है तो चैनल को ही 24 घंटे के लिए ब्लैकआउट कर दिया जाता है, चैनल को भी डरा दिया जाता है। दूसरा घिनौना काम जो इस सरकार ने किया है वो है मीडिया कैप्चरिंग। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पर क्या है, प्लस पॉइंट ये है कि अब इस मीडिया का पर्दाफाश धीरे धीरे हो रहा है। वो किसकी वजह से? किसानों की वजह से। अब लोगों को पता लगने लग गया कि ये मीडिया बिकी हुई है, ये मीडिया सरकार की गुलाम है। दूसरा काम सरकार ने जो किया वो था मीडिया कैप्चरिंग, था क्या अभी कर ही रही है, मीडिया को कैप्चर कर लिया है इन्होंने। आपको जानकर हैरानी होगी, आपको जानकर हैरानी होगी कि सरकार लाखों करोड़ रुपए खर्च करती है फॉर देयर एडवर्टाइजमेंट, अपनी एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। वो तो कोई बात गलत बात नहीं अगर देखा जाए तो, हर पार्टी करती है, कि हर पार्टी चाहती है कि उसका नाम हो, लोग उनके कामों को देखें, लेकिन इस हद तक गिर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। तीसरा पॉइंट है, और पॉइंट क्या सबसे बड़ा फेलियरों में से एक है ये सरकार का, वो है डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी। ये कितना बेकार और अनप्लान्ड और घटिया स्टेप था, आप इस बात का अंदाजा इस चीज से लगा सकते हैं कि ये डीमोनेटाइजेशन प्रोसेस बाहर के बिजनेस स्कूलों में से एक सीख की तरह पढ़ाया जाता है, उन्हें अवेयर किया जाता है, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू कमर्स, जो बिजनेसमैन, जो इकोनॉमी जो पढ़ रहे हैं, उनको बताया जाता है कि देखो कितना बेकार और घटिया स्टेप था, अवेयर हो जाओ, ऐसे स्टेप आप सब ना ले, बाहर के जो फॉरेन के बिजनेस स्कूल है वहां पर। और जितने टारगेटेड पॉइंट थे, चाहे वो
टेररिस्ट फंड हो, फेक करेंसी हो, या जो काला धन वापिस आना था वो हो, एक भी टारगेट को इस स्टेप ने हिट नहीं किया। टोटली अनसक्सेसफुल ये स्टेप रहा। इकोनॉमिस्ट अरुण कुमार का ये मानना है कि आज तक हम इस दलदल से बाहर नहीं आए हैं, उस नुकसान से बाहर नहीं आए हैं। और अरुण कुमार छोड़िए, सेंटर ऑफ मॉनेटरी इंडियन इकोनॉमी का भी यही मानना है कि ये इतना बेकार स्टेप था, आज तक हम इस स्टेप का भुगताना, आज तक हम इस स्टेप से परेशान हैं, ये स्टेप नहीं लेना चाहिए था सरकार को। ये मैंने बात की कुछ डिमोनेटाइजेशन की फार्मर्स के बारे में। और भी ढेर सारा डाटा है मेरे पास, जो है नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का NCRB का डाटा मेरे पास है। देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, एक साल में हमारे देश में 405,861 केसेस हैं। किस चीज़ के? क्राइम अगेंस्ट वुमेन, औरतों के खिलाफ हमारे देश में एक साल में 400,000 केसेस हुए हैं। अगर मैं ओवरऑल क्राइम की बात करूं हमारे देश में तो वो है 32,25,701। मैं नहीं बोल रहा हूँ, NCRB का डाटा है ये, आप भी गूगल पर जाकर कोई भी इसको इजीली अवेलेबल कर सकता है। अब तीसरे पॉइंट की मैं बात करता हूँ। तीसरा पॉइंट, जो हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो देश में राजनीति खेली गई, जी हाँ दिल्ली में जो दंगे हुए उनमें 53 लोगों की जान गई, लेकिन उस समय पर हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी मैं मानो कि सेवा करने में लगे हुए थे, उनकी खिम्मत करने में लगे हुए थे। 53 लोगों की जान गई दिल्ली के दंगों में, और कैसी राजनीति खेली गई ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी जानते हैं। और मैं NCRB के डाटा की अगर बात करूं मैं तो क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, अगर मैं UPA के टाइम की बात करूं तो उस टाइम पर 58,224 हुआ करते थे एक साल में। अब अगर मैं BJP के टाइम की बात करूं तो 1,48,185। इसमें सरकार का पूरी तरीके से हाथ नहीं है, कुछ है लेकिन पूरा हाथ सरकार का नहीं है। देखिए क्राइम का ग्राफ तो वैसे भी दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, बहुत कम कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें क्राइम का ग्राफ स्लो आता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स, स्ट्रिक्ट जो लॉज बनाने पड़ते हैं जब आता है। लेकिन अगर सरकार चाहती तो ये इतना जे ग्राफ नहीं होता। देखिए दो तरह के ग्राफ होते हैं, एक तो यू ग्राफ जो धीरे धीरे ऊपर जाता है, एक जे ग्राफ एकदम से ऊपर जाता है। तो सरकार चाहती तो इतना नहीं बढ़ सकता था, ये कुछ सरकार के हाथ में बातें थी जो सरकार कंट्रोल कर सकती थी लेकिन किया नहीं। सबसे दुख की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि हर 16 मिनट में हमारे देश में एक लड़की का रेप हो जाता है। इन एवरी 16 मिनट अ गर्ल इज रेप्ड इन आवर कंट्री। कितने दुख की बात है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या महत्व रह जाता है ऐसे नारों का, क्या महत्व रह जाता है ऐसे स्लोगन्स का, ऐसे प्रोग्राम्स का, जब आप ऑन द पेपर कुछ चीज शो ही नहीं कर पा रहे हो, कुछ प्रोग्रेस शो ही नहीं कर पा रहे हो। अब मैं बात करता हूं, देखिए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन भारत की रैंक 63 देशों में से 62वीं है। जी हाँ 63 देशों में से भारत की रैंक 62वें नंबर पर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। देखिए किसी भी देश में 2-3 बड़े मुद्दे होते हैं, एजुकेशन, वुमेन सेफ्टी, आर्मी की सेफ्टी, किसानों की सेफ्टी, इनमें से मैक्सिमम मुद्दों में सरकार काम करने में नाकाम रही है। देखिए ऐसा नहीं है कि BJP गवर्नमेंट ने सारे ही बेकार काम किए हैं, बहुत से अच्छे भी काम BJP गवर्नमेंट ने किए हैं, लेकिन मेरे को क्या लग रहा है ये प्रायोरिटी सेट करने में इनकी चूक हो गई। जो काम इन्हें पहले करने चाहिए थे वे तो इन्होंने बाद में किए हैं, जो बाद में करने चाहिए थे वे काम इन्होंने पहले किए हैं। अब इसमें कितनी राजनीति है, कितनी ये सरकार अच्छी है, कितनी ये सरकार बुरी है, वो तो जनता को ही तय करना है। फिर मेरे से सवाल पूछा जाता है कि जब BJP इतनी ही बेकार है तो लोग इसको वोट क्यों दे रहे हैं। देखिए उसके दो कारण हैं, एक कारण तो खत्म हो गया है, खत्म कौन सा हो गया, मीडिया का। देश में क्या चल रहा है लोगों को कैसे पता लगता है, मीडिया के थ्रू। आप भी मीडिया को ही देखकर बताते होंगे कि हाँ वहां पर ये हो गया, सरकार ने ये कर दिया वो कर दिया, मीडिया तो उन्होंने कैप्चर कर रखी है। और दूसरा पॉइंट ये है कि पब्लिक के पास ऑप्शन नहीं है। कांग्रेस भी इतनी दूर से धुली हुई नहीं है, कांग्रेस के लंबे राज से भी जो जनता है वो परेशान हो चुकी है।
और कोई स्ट्रोंग लीडर दिखाई नहीं देता कांग्रेस में पब्लिक को, इसीलिए जो पब्लिक है वो बीजेपी को वोट देती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। किसी के भी प्रति मेरे मन में कोई हेटर्ड या नफरत वाली भावना नहीं है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी दूध से धुला हुआ है, कांग्रेस दूध से धुली हुई है और बीजेपी बिल्कुल ही खराब है। लेकिन मेरे को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सरकार चाहती तो बहुत अच्छे कदम ये ले सकती थी, देश को ये डेवलपमेंट की तरफ ले जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब राजनीति से तो हम परे हैं, हमें नहीं पता इसके पीछे राजनीति क्या है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जल्दी मिलूंगा ऐसी किसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपका ज्ञान बढ़ा सके, अवेयरनेस फैला सके। वीडियो को शेयर जरूर करते हुए जाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। विदा लेता हूं मैं आपसे। आप सभी अपना और अपने परिवार का बढ़ती हुई महामारी से ध्यान जरूर रखें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।